नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास की हेडिंग है कोविड-19 वॉर टाइम प्रेसिडेंट रिकॉर्ड केसेस एंड रिकॉर्ड डेथ्स। रिकॉर्ड केसेस रिकॉर्ड डेथ्स के पहले मैंने यहाँ पे लिखा वॉर टाइम प्रेसिडेंट। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये वॉर टाइम प्रेसिडेंट ये वर्ड 17th of March से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में है। और इसके बाद आपने रिकॉर्ड केस और रिकॉर्ड डेथ्स को देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डेफिनेटली जिस देश के बारे में बात करूँ, वेरी अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में द USA के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिकॉर्ड केसेस पूरी दुनिया में 5.25 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। और रिकॉर्ड डेथ्स अभी थोड़ी देर पहले, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 11th of April 2020 की रात खत्म हो रही है, 12th स्टार्ट हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियली ये बात बता दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो 10 तारीख को मतलब बीते कल 2001 साल जो डेथ्स हुई यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद US जो है सरपास कर गया ऑफिशियली इटली को। एंड अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी टू से, लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेज एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ्स दोनों में US जो है सबसे आगे हो चुका है दुनिया में। राइट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप YouTube चैनल एम्बिटर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं, इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा और ये सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये पर्टिकुलर वीडियो जो आप देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक भी होगा, और इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 11th तकरीबन खत्म हो गया, तो ये 12th की मतलब 11th की रात है, 12th शुरू हो रही है, 12th of April 2020। और पूरी दुनिया में एक पर्टिकुलर पेंडेमिक जिसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज़, इसने जो तबाही मचाई है पूरी दुनिया में, वेरी सॉरी टू से, लेकिन 17 लाख से ज़्यादा केसेज आज के टाइम पे, वंस अगेन वेरी वेरी सॉरी टू से, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। हाँ, एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं, विच इज़ ग्रेट टू सी। इसमें भी सबसे ज़्यादा केसेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अकेले 5.25 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। आज पूरी दुनिया में एक्टिव केसेस, बाय द वे मैं आपको इस बात जरूर बता देता हूँ, 12.5 लाख से ज़्यादा हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें से जैसे मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ केसेस में सबसे ज़्यादा केसेस यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा अपने सपने में कि इतनी बड़ी महामारी पहले तो आएगी। और दूसरी बात, हालांकि कुछ ऑथर्स का भी जो किताबें वगैरह भी आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट अ ब्लैक स्वान, दिस इज़ इवन अ वाइट स्वान। ये वाइट स्वान है क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड है कि एक इवेंट, एक बैक्टीरिया, एक फंगस, एक वायरस चाहिए था इस पूरी दुनिया की कमर तोड़ने को। इस बारे में अलग से किसी एक वीडियो में डिस्कशन करूँगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप देखिए तो आप 5.25 लाख केसेस आज के टाइम पे, और अभी जो थोड़ी देर पहले अपडेट हुआ, आप इस नंबर पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स वेरी सॉरी टू से, लेकिन US जो है इटली को सरपास कर गया है। 10th of April को जो 2000 केसेस है उसके बाद से स्पेशली, जस्ट आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया, इसलिए मैं एक बात बताता हूँ, US में स्पेशली जो उनका ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे केसेस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, चाहे टोटल नंबर ऑफ केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, चाहे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए। थोड़ा आपको आइडिया इसलिए आपको बताता हूँ, आप न्यूयॉर्क को देख लीजिए, न्यू जर्सी को देख लीजिए, मैसाचुसेट्स को देख लीजिए, न्यू हैम्पशायर को देख लीजिए, इसके अलावा फ्लोरिडा में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, इसके अलावा टेक्सास में भी काफ़ी सारे केसेस हैं, इलिनॉय में भी काफ़ी केसेस हैं, कैलिफोर्निया में भी काफ़ी केसेस हैं, मिशिगन में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। इनफैक्ट आपको एक बात मैं बताता हूँ, न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स यूनाइटेड स्टेट्स में 20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 11,000 से ज़्यादा है, मतलब टोटल डेथ्स का 50% से ज़्यादा तो सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से। एक बार वीडियो पॉज करके ये नंबर ज़रा देखिएगा, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो नंबर ये है, गॉड फॉरबिड, लेकिन ये नंबर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, ऐसा ना हो लेकिन ये बढ़ेगा, ये तो है ही। हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स को हमेशा किसी ना किसी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की चीज़ हो, चाहे वो मिलिट्री की चीज़ हो, चाहे कोई भी लेटेस्ट चीज़ हो इक्विपमेंट से रिलेटेड, उसमें हमेशा नंबर वन देखा है। आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स दो चीज़ों में नंबर वन है, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 5.25 लाख से ज़्यादा हैं, और अनफॉर्चुनेटली टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो पूरी दुनिया में 20,000 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बहुत ही अपने आप में आश्चर्यजनक चीज़ है, आज से कुछ महीने पहले तक भी किसी ने इसी सोचा नहीं होगा। मैंने ऐसे बताया ये नंबर एकदम से जो बढ़ा है ना अभी, वो 10th of April को जो
2000 से ज़्यादा डेथ्स हो गई यूएस में, उसका बहुत बड़ा इसका रीज़न है। ये थोड़ी देर पहले भी अपडेट हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में, आप इसको यहाँ देख सकते हैं लाइव अपडेट, यूनाइटेड स्टेट्स सरपासेस इटली, इटली में डेथ्स अब 19,000 के आसपास है, यूएस में डेथ 20,000 क्रॉस हो चुकी है। और ये जैसे मैंने आपको बताया 10 अप्रैल को जो आप देखेंगे 2000 का जो नंबर इन्होंने क्रॉस किया है, और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जो डेथ है वो 20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में केस जो है वो 500,000 से ज़्यादा हो चुका है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा हो चुका है, 5.5 लाख के आसपास है। और ये सिचुएशन थोड़ी सी ग्रिम फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ये रहे मिस्टर ट्रंप साहब, और ये रहे डॉक्टर एंटनी फॉसी। डॉक्टर एंटनी फॉसी की बातों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। डॉक्टर एंटनी फॉसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं, और एंटनी फॉसी साहब का बहुत गंभीरता से किसी बात को कहते हैं, और अगर ये बोलते हैं तो सिर्फ यूएस नहीं पूरी दुनिया काफ़ी सिंसियरली इस बात को लेती है। तो फॉसी साहब ने एक बात कही है, ध्यान से सुनिएगा, कि यूनाइटेड स्टेट्स में चीज़ों को नॉर्मल होते होते शायद नवंबर का वक्त लग जाए, नवंबर 2020। ये काफ़ी बड़ा टाइम है, लेकिन ऐसा तो कहा है फॉसी साहब ने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के मेयर हों, चाहे मिस्टर बिल डे, ये साहब जो है मैं नाम लिखना भूल गया, मिस्टर बिल डे, DE DE, इन साहब का नाम है मिस्टर बिल डे ब्लासियो, एक्चुअली BLASIO, आई एम रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, लेकिन ये साहब का नाम है, ये मिस्टर वहाँ के न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर है, और इसके अलावा ये गवर्नर साहब है, दोनों को आपने बहुत देखा हुआ एक्चुअली। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल डेली पढ़ रहे हो तो ये सभी लोग डेली आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, राइट। तो ये न्यूयॉर्क के गवर्नर साहब मिस्टर एंड्रयू क्यूमो साहब ने और बिल डे साहब ने, दोनों ने एक बात कहा है, और वो ये कहा है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं वो सितंबर तक के लिए, इस एकेडमिक सेशन तक के लिए रहने वाले हैं एब्सोल्युटली बंद। दो डेमोक्रेट्स के भी काफ़ी फेमस लीडर्स हैं, मिस्टर चक जो ये साहब हैं, एंड इसके अलावा नैन्सी पेलोसी जी को भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो नैन्सी पेलोसी जी ने और मिस्टर चक ने, दोनों ने कहा है कि नहीं, जो आप लोग पैसे दे रहे हो ये काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा इम्पेटस की ज़रूरत है, ये पैसे हॉस्पिटल्स के लिए और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं सर, और हमको इम्पेटस चाहिए और स्टिमुलस चाहिए। कभी यूएस ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने छोटे से इस वायरस ने जो है वो इतनी बड़ी तबाही मचाएगा, चाहे वो एक हाउस होल्ड में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, लोगों की इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी, और पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था यार इनफैक्ट। ये तो ऑल, ये गार्जियन का आर्टिकल है यहाँ पे, पिक्चर कट सी, ऑल 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर अंडर डिजास्टर डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एज इट हैपेंड। तो पहली बार ऐसा हुआ है जो यूनाइटेड स्टेट, इनफैक्ट मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, टेक्सास फूड बैंक ने एक्चुअली अभी क्या किया था, ये आप नीचे डेट वगैरह टाइम सब देख लीजिएगा, टेक्सास फूड बैंक ने क्या किया, अभी 1 मिलियन पाउंड इतना भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया, 10,000 फैमिलीज के लोग आए थे। आप ज़रा फोटोग्राफ देखिए किस तरह से भीड़ थी, ये फोटोग्राफ देख सकते हैं आप, एंटोनी एक्सप्रेस में छपा हुआ है, जो फूड लाइन्स आर सो लॉन्ग इट जस्ट ब्रेक्स योर हार्ट, एब्सोल्युटली। और इसी पर्टिकुलर फोटोग्राफ को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कार्स हैं, कोई खिलौने नहीं है, लोग भोजन के लिए आए हुए हैं, ये वहाँ पे टेक्सास की बात है, जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, 10,000 ज़्यादा लोग, ये कितना डिसहार्टनिंग है यार, देख के ये सब चीज़ देख के कितना, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग लगा, भगवान करे से जल्दी निकल जाए यूनाइटेड स्टेट्स, और पूरी दुनिया जल्दी निकल जाए इसे। देखिए इस तरह की जो चीज़ अभी जिससे यूएस गुजर, आज मैं यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इसलिए भी सिर्फ यूएस के बारे में बात करता हूँ। मैंने ऐसा कई बार बोल दिया कि अनप्रेसिडेंटेड, और मैं क्या पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स आप देखेंगे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स कॉलम लिखने वाले लोग देखेंगे, तो सभी का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक अपने ही तरह का अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस कभी यूएस ने नहीं देखा है। ग्रेट डिप्रेशन लोग बोलेंगे, मैं तो ये बोलता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ा क्राइसिस अपने आप में आने वाला है, क्योंकि दोनों तरह का क्राइसिस है, ये हेल्थ से भी है और इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगा लेटर ऑन। अभी आप देखेंगे, ये देखिए मैंने कटआउट लगाया है ABC न्यूज़ का, क्या लिखा है जरा देखिएगा, रिकॉर्ड 16.8, ऑलमोस्ट 17 मिलियन हैव सॉट यूएस जॉबलेस एड सिंस वायरस। तकरीबन 17 मिलियन लोग जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मतलब जिसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स बोलते हैं, उसके लिए अभी पिछले 3 हफ्ते में अपना नाम रजिस्टर करवाया है। 17 मिलियन, 1 मिलियन मतलब होता है 10 to the power of 6, दिस इज अनबिलीवेबल नंबर। जॉब्स कार्नेज माउंट 17 मिलियन फाइल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन 3 वीक्स। तो सिर्फ 3 वीक में 17 मिलियन लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर करवाना, आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा नंबर होगा आज की तारीख में। ठीक है, स्टिमुलस पैकेज आपको ध्यान होगा तो मिस्टर ट्रंप ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, रुकिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो, लेकिन स्टिमुलस को क्या होता है कि थोड़ा सा अभी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, $2.3 trillion का, ध्यान होगा अगर आपको 27th of March की बात है, 27th of March को मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया था कि 2.3
ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस। लेकिन स्टिमुलस को यार ऑब्वियस सी बात है पहुंचने में भी टाइम लगता है, और साथ में और बहुत सारे प्लान्स भी चल रहे हैं, जैसे कि ये आप कटआउट देख सकते हैं किसका, ये SBA का कटआउट है यहाँ पे, ये स्मॉल बिजनेस लेंडिंग प्रोग्राम के भी ऐसे स्टिमुलस पैकेजेस चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया, ये प्रिसाइसली 2.3 ट्रिलियन डॉलर का था, 2.3 ट्रिलियन डॉलर कोरोना वायरस रिलीफ एज द US ट्राइज टू प्रिवेंट इकोनॉमिक डेवेस्टेशन। और मैं आपको बता रहा हूँ इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। अच्छा हाँ, इसके लिए इसमें भी एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको बताया था, इस 2.3 ट्रिलियन डॉलर में इसमें एक और चीज़ इंक्लूडेड है, $600 का, ध्यान से सुनिएगा, $600 पर वीक का अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट पे आउट्स, मतलब जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होगा उसको प्रति हफ्ते 600 डॉलर मिलेंगे, मतलब एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 600 × 4 ऐसा $2,400, ठीक है। तो इसमें वो भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी ये हुआ, ये आपका CNN के कटआउट में लगा यहाँ पे, अभी ये हुआ है कि इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स लेने के लिए कि फेडरल, हालांकि इस चीज़ को एडमिनिस्टर तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पे एडमिनिस्टर कर रही है, इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि बहुत सारे जगहों पे, जैसे कि आप देखेंगे तो इलिनॉय वगैरह में, इलिनॉय में, मिशिगन में, न्यूयॉर्क वगैरह में, बहुत सारे जगहों पे, न्यू हैम्पशायर में, न्यू जर्सी में, बहुत सारे जगहों पे ये हुआ, इतनी बड़ी भीड़ आ गई थी कि डेज डिफाइन कर दिया कि भाई सभी लोग अलग अलग डेज पे आएंगे, अलग अलग वक्त में आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, भीड़ आ गई कि मैनेजेबल नहीं है। मेन वगैरह में कुछ जगहों पर यह भी बोल दिया है कि पैसे को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है, ये चल रहा है अप्रैल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मई या मिड मई तक आपको पैसे मिलने शुरू हो जाए, मतलब आप समझिए स्टिमुलस अनाउंस करना एक बात है, लेकिन उसको पहुंचने में भी बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिक रूट क्रॉस करना है, उसमें भी टाइम लगेगा। एक और चीज़, हाउ द वायरस ट्रांसफॉर्म द वे अमेरिकन स्पेंड देयर लाइफ, ये कटआउट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आया था जब मैंने लिया है। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में, देखिए इकोनॉमी का चक्का ऐसा जब तक चल रहा है तो ठीक है, और जहाँ रुका उसको घुमाने में बहुत मेहनत लग जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखिएगा, ये 19 मार्च है, अब उसके बाद ये इस गिरते हुए नंबर को देखिए, रुकिए, ये रहा मोर स्पेंडिंग लेस स्पेंडिंग, ठीक है, चाहे ग्रोसरी आइटम्स हो, चाहे हेल्थ एंड ब्यूटी हो, एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट्स हो, कहाँ कॉन्ग्रिगेट नहीं हो रहे इकट्ठे, लॉकडाउन चल रहा है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो, शॉपिंग हो, ट्रैवल हो, सिंगल हैंडेडली ये एक इवेंट ऐसा है जो मिस्टर ल्यूक, LUK, मिस्टर ल्यूक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं US के, उन्होंने कहा कि शार्पेस्ट डिक्लाइन आया कंज्यूमर स्पेंडिंग में इस एक इवेंट के चलते जो यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि रिसर्चर्स ने बार बार वार्न किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को, SD मैंने लिख दिया शॉर्ट में, सोशल डिस्टेंसिंग को प्लीज़ मेंटेन रखें, अदरवाइज ये पेंडेमिक जो धीरे धीरे मिटिगेट हो भी रहा है शायद फिर ऐसा ना हो पाए। यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि मैंने कटआउट लिया ब्लूमबर्ग का, व्हेन द कोरोना वायरस आउटब्रेक कुड पीक ईच यूनाइटेड स्टेट, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अभी ये बोला जा रहा है, आपको ध्यान होगा तो कुछ वक्त पहले की बात है, तब ये बोला जा रहा था कि, पहले तो ये बात हो रही थी कि 12 अप्रैल को मार्केट खोल दिया जाएगा, याद आपको ईस्टर के वक्त पे, ये तो मिस्टर ट्रंप ने खुद ही बोला था, और उसके बाद फिर 12 अप्रैल को ये बात हो रही थी कि मैक्सिमम रीच कर जाएगा, अभी ये बात हो रही है कि मोस्ट प्रोबेबली 17 अप्रैल, ध्यान से डेट सुनिएगा, अभी ये बात हो रही है कि 17 अप्रैल को ज़्यादातर जगहों पर पीक रीच करेगा, इसलिए 17th रात और 18th को यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो ये बात एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख हॉस्पिटल में बेड्स की जरूरत पड़ेगी, तकरीबन 20,000 ICUs की जरूरत पड़ेगी, और तकरीबन तकरीबन 16,000 से 20,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा है IHME का, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन जो उनका है, ये रहा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन का डेटा, ये डेटा मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया आपको, और ये डेटा IHME की आप वेबसाइट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। ये उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट्स का हम लोगों ने डेटा लिया है, हॉस्पिटल नेटवर्क्स का डेटा लिया है, अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन का डेटा लिया है, एंड WHO का डेटा लेके हम लोग ये चीज़ बता रहे हैं कि ये IHME बोलते हैं शॉर्ट में इसको, मैं अगली बार आगे IHME ही बोलूँगा, ठीक है। आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्हेन द कोरोना वायरस विल रीच पीक इन योर स्टेट, ये चेंजिंग अमेरिका, तो अमेरिकन लोगों के लिए बेसिकली वेबसाइट है। मैं आपको थोड़े से कुछ ग्राफ दिखाता हूँ, लेकिन आप, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पॉज करके आप एक एक ग्राफ को अच्छे से देखिएगा। मैं भूल गया, रियली सॉरी, पिक्चर कर्ट सी मैंने कहाँ से, ब्लूमबर्ग या किसी से तो लिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका। तो एक बात तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि न्यूयॉर्क में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया था अभी, 50% से ज़्यादा डेथ्स जो हुई हैं न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को मिलाएंगे तो दोनों को मिला के डेथ्स 20,000 में 11,000 से ज़्यादा डेथ्स तो यहाँ ही हो गई हैं, मतलब 55% से ज़्यादा डेथ तो इन्हीं दो जगहों पर हो गई है, राइट। लेकिन ये बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क में और इसके अलावा न्यू जर्सी में ऑलरेडी पीक रीच कर चुका है,
इसके अलावा कुछ और जगह जो है जहाँ पे, जैसे कि आप इलिनॉय लेंगे, इसके अलावा फ्लोरिडा लेंगे, टेक्सास लेंगे, यहाँ पे अब ऐसा है चाहे वो टेक्सास लेंगे फ्लोरिडा लेंगे, वहाँ पे पीक रीच करेगा वो चाहे तो अप्रैल मिड में या अप्रैल एंड होते होते। एक बार वीडियो को पॉज करके हर एक ग्राफ को देखिएगा, राइट। तो इनमें देखिएगा ये डेटा है IHME का, ये रहा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन का, इन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन इसके साथ एक और डिस्क्लेमर दिया हुआ है, और वो ये कहा है ये तब ऐसा होगा जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को आप फॉलो नहीं करेंगे, गॉड नोज ये नंबर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा रहे, हो सकता है फिर से पीक कर जाए, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते फिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये डॉक्टर जिरोम एडम्स साहब हैं, इनको भी अभी आपने इस बीच काफ़ी देखा, और डॉक्टर जिरोम एडम्स जो है सर्जन सर्जन एजेंट है, सो सर्जन जनरल है, सॉरी सर्जन जनरल है। इन साहब ने कहा कि सिचुएशन जो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी अलार्मिंग है, लेकिन मैं इस बात से सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ की हालत देखेंगे तो कंपेरेटिवली ज़्यादा ख़राब रहती है। वहाँ पे आपको ज़्यादा एस्थमेटिक पेशेंट्स मिलेंगे, हाइपरटेंशन के केसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको डायबिटीज़ के केसेस ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ इन्होंने जिरोम साहब ने कहा क्लियरली, राइट। एक और बात मैं बोलूँगा, डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब ने एक और बात कहा है कि जो ग्राफ है वो स्टार्ट तो हुआ है थोड़ा सा टेपर होना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, अदरवाइज ये जितना भी हम लोगों ने अचीव कर पाए, जितना भी मिटिगेशन अचीव कर पाए, ये फिर वापस से ख़राब हो जाएगा। मैंने आपको बताया मेयर साहब जो हो गए न्यूयॉर्क के, इसके अलावा गवर्नर साहब हो गए मिस्टर बिल डे एंड एंड्रयू कुमो जो हो गए, इन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। तो आप देखेंगे ना यूनाइटेड स्टेट्स में जितने बड़े बड़े पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक का कहना ये है कि ग्राफ थोड़ा सा टेपर होना शुरू हुआ है कुछ जगहों पे, जैसे कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ है, और कुछ और जगहों पे चाहे वो फ्लोरिडा हो, चाहे टेक्सास हो, चाहे इलिनॉय हो, जहाँ पर भी अगर नहीं है तो फिर इस महीने या इस महीने के अंत तक वो नीचे आना शुरू करेगा। लेकिन भूलिएगा मत सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को मेंटेन रखिएगा, अदरवाइज इस ग्राफ को नीचे लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये तो एंटनी फॉसी था। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में इन दो शख्स के बारे में बताएंगे ये दोनों कौन है, इनका नाम ज़रूर बताइएगा, देखते हैं आप क्या बता पाते हैं। जिनका आंसर करेक्ट होगा मैं लाइक कर दूंगा। आपको यही लोग दिखेंगे अभी यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूज़पेपर कोई भी उठाएंगे आप, चाहे वो आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाइए, चाहे वाशिंगटन पोस्ट उठाइए, CNBC उठा लीजिए, CNN उठा लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, तो आपको यही लोग दिखेंगे। देखिए ये तो एंटनी फॉसी साहब होगा, ये होगा मिस्टर ट्रंप। मिस्टर ट्रंप ने हमेशा से ना कन्फ्यूजिंग सिग्नल ट्रांसमिट किया है, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो नंबर इतना नहीं होना चाहिए था, इन डिसीजन पेंडेमिक में, पेंडेमिक के वक्त, पेंडेमिक से ज़्यादा ख़राब जो होता है वो होता है इन डिसीजन, ट्रंप साहब के इन डिसीजन। अगर आपको ध्यान होगा तो कई चीज़ें ट्रंप साहब ने ऐसा बोला जो उनको नहीं बोला था बीइंग राष्ट्रपति। जैसे आपको याद होगा तो 8-9 मार्च के आसपास मैंने पिछले वीडियोज़ में उनका ट्वीट भी आपको दिखाया था कि दिस विल जस्ट फेड अवे, ये तो जस्ट ऐसे सर्दी खांसी जुकाम जैसा, एंड विल जस्ट फेड अवे। ये ट्वीट तो उनको पूरी लाइफ हॉन्ट करने वाला है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद से जो ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है, आपको ध्यान होगा तो 18 मार्च को जहाँ पे एक तरफ, मार्च के ही मंथ की बात है, जब 18,000 डेथ हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, डेथ नंबर एक तरफ 18,000 पहुंचा था, एक तरफ वो इकोनॉमी के ओपन करने के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बहुत इनसेंसिटिव भी हो जा रहा था और एक बहुत इनडिसिजन को भी शो कर रहा था। खैर जो भी है, हमेशा से ट्रम्प साहब का जो डिसीजन रहा है वो मे बी आई विल, मे बी आई वोंट, इस तरह कम्युनिकेशन, लेकिन इस तरह अभी करंट सिनेरियो जो यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिएट हो गया, चाहे टोटल नंबर ऑफ केसेस का, चाहे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स का, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब वाकई में एकदम कन्फ्यूज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 18,000 जब डेथ्स हुई थी, तब उस वक्त पे ट्रम्प साहब ये डिस्कशन कर रहे हैं। आप सोच सकते हो अप्रैल मंथ में यूनाइटेड स्टेट्स में ये डिस्कशन हो रहा है कि मास्क के ऊपर $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये डिस्क, अरे भाई हर एक को फ्री में दो दो मास्क दे दो, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, US और चाइना को मिलाएंगे तो $20 ट्रिलियन की, $15 ट्रिलियन चाइना, $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, हम तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अभी US $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये डिस्कशन कर रहे थे अप्रैल में कि मास्क का क्या करना है, पता नहीं। मैं तो बिल्कुल सोचता हूँ कि ट्रंप साहब और इनको सरकार को तो सबसे पहले दे देना चाहिए थे सब, और 2.5 महीने के आसपास, 2 से 2.5 महीने पीछे चल रही US की जो गवर्नमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, US को जो डिसीजन 2-2.5 महीने पहले लेना था। देखिए ये जो वायरस है ना, वो ये नहीं देखेगा कि आप डेवलप्ड कंट्री के, डेवलपिंग कंट्री के, अंडर डेवलप्ड कंट्री, इफ़ यू आर लेट, अभी तक तो पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया में डेटा आ रहा है, दिस वायरस विल गोइंग टू पनिश यू, एंड दिस वायरस विल गोइंग टू पनिश यू बिग टाइम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब डेथ नंबर एक तरफ 18,000 हो गया था, तो इकोनॉमी ओपन करने की बात हो रही है, ये तो बड़ा ही अजीब सा इनडिसिजन है यार। ट्रम्प साहब ने बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, लेकिन प्रोबेबली ये मेरी ज़िंदगी का बिगेस्ट डिसीजन होगा, मैं तो ये बोलता हूँ कि मेक और ब्रेक डिसीजन होगा। आपको ध्यान होगा तो अभी तक तो ये बात हो रही थी, मतलब जो आज दिन आ गया है 12 अप्रैल 2020, ईस्टर के दिन
बहुत बढ़िया दिन है। ट्रम्प साहब को नहीं बोला था मीडिया के सामने कि 12 अप्रैल बहुत बढ़िया दिन है इकोनॉमी को ओपन करने का, अपन लोग इकोनॉमी को ओपन करेंगे। हालांकि और उसके पहले तक के 9 मार्च तक ट्रम्प साहब ने ये बोला था कि नहीं नहीं दिस विल फेड अवे, ये तो बस ऐसा ही है। और उसके भी पहले का ट्वीट देखेंगे तो आप जनवरी फरवरी ओवर के टाइम का ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट देखेंगे, वो मानने को ही तैयार नहीं थे ऐसा कोई वायरस वगैरह भी है। बोरिस जॉनसन साहब जैसे है वैसे ही, बोरिस जॉनसन भी कहाँ मान रहे थे, वो तो अभी खुद पॉजिटिव हो गए तो फिर वो वार्निंग्स दे रहे हैं कि हाँ भाई फॉलो करो ऐसा वैसा। चलो बढ़िया है, बोरिस जॉनसन साहब भी ठीक हो गए, वापस तो वैसे शायद आ ही गए। चलिए वापस आते हैं इन पर ट्रम्प साहब पे। तो ट्रम्प साहब ने इस तरह से बोला था, तो अभी तो ट्रम्प साहब का नैरेटिव चेंज हो गया। ट्रम्प साहब का कहना यह है कि फर्स्ट हम लोग हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम लोग इकोनॉमी को फुल्ली ओपन तो नहीं करेंगे। WHO के डायरेक्टर जनरल साहब का नाम मिस्टर टेड्रोस, एक काम करते पूरा नाम मिस्टर टेड्रोस का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी बार दिखाया है, इथियोपिया के हैं, नाम बताइएगा, देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग। तो टेड्रोस साहब ने ये भी यही बोला है कि इकोनॉमी को जो लॉकडाउन है जो US में, आज हम लोग US पर डिस्कशन कर रहे हैं, एकदम से ओपन मत कर देना, एकदम से ओपन करेंगे तो इसका डेडली रिसर्जेंस होगा। याद रखना यहाँ तक के जो पहुँचे हैं इतने मुश्किल में वो पूरी चीज़ ख़राब हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। यूरोप में हमको जैसे पता है कि हार्डेस्ट हिट कंट्री इटली है, आप इनको पहचानते होंगे, इटली के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिस्टर कॉन्ते ने ये चीज़ बोल दिया, एक मिनट रुके यहाँ पे आप डेट्स वगैरह भी चेक कीजिए। तो मिस्टर कॉन्ते ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि हम लोग लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इटली में लॉकडाउन जब एक्सटेंड होकर 3 मई तक के हो चुका है ऑलरेडी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो और एक्सटेंड हो जाएगा, तो बाद में फिर से वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा इन्होंने स्पेशल एक टास्क फोर्स की एक टीम बनाई है 17 लोगों की। ये जो टीम है बेसिकली ये करने वाली है कि चेक करेगी कि लॉकडाउन को हम लोग पूरी तरह से ओपन कब करें। इसके अलावा ये एक और चीज़ चेक करेगी जो टीम है, और वो ये इटली के ऊपर मैंने बहुत बार वीडियोज़ बनाए, इटली के ऊपर मैंने फुल एकदम डिटेल में डिस्कशन लिया हुआ है कि इटली यहाँ तक की हालत में पहुँचा कैसे। और इसके लिए कहीं ना कहीं बैंक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI जो है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये बोल पाना गलत है, कहीं ना कहीं से उसका भी कनेक्ट है, आप एक बार देखिएगा पुराने वीडियोज़ मेरे। तो 3 मई तक तो लॉकडाउन इन लोगों ने इटली ने अनाउंस कर दिया है। और इसके अलावा 17 लोगों की जो टीम बनाई है, टास्क फोर्स जो बनाया है, ये दो काम करेगी, पहली चीज़ की इकोनॉमी को ओपन कब करना, और दूसरी चीज़ जैसे कि आपने देखा होगा वुहान में तो इस वायरस का सेकंड फेज देखने को मिल रहा है, वुहान में आपको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट सिंगापुर में, जापान में, जापान लॉकडाउन में गया है इसलिए अभी दूसरी बार, क्योंकि सेकंड फेज वहाँ पे देखने को मिल गया वायरस का, राइट। तो ये देखिएगा, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, जो इनका टास्क फोर्स है वो क्या क्या डिसीजन लेता है, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ट्रम्प साहब जो है प्रोबेबली इतने बड़े क्राइसिस में, सो शायद मेरे ख्याल से जो हेल्थ एंड इकोनॉमी, तो हेल्थ इकोनॉमी का वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ना सिर्फ US का, मिस्टर ट्रम्प के लिए भी। अभी बिजनेस स्टैंडर्ड का एक हेडिंग देख सकते हैं, ट्रम्प सेज ही फेसेस बिगेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ और वेंट टू रीओपन इकोनॉमी। US की इकोनॉमी रीओपन कब करे, मेरे ख्याल से इस चीज़ पे मिस्टर ट्रम्प साहब को दोनों डायरेक्शन से पुल कर रहे होंगे। वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ होगा, जो मेडिकल की टीम होगी, वो बोलेंगे नहीं सर और टाइम चाहिए, मत कीजिए अभी ओपन, अगर अभी ओपन कर देंगे ना तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे, जो ग्राफ थोड़ा बहुत मिटिगेट किया हमने वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएगा। और पता नहीं चीज़, अभी 5.25 लाख केसेस हैं, अभी 20,000 डेथ्स हैं, पता नहीं इस वक्त पे क्या होगा। जो बैंकर्स होंगे, कॉरपोरेट्स होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, इंडस्ट्रीज हैं, उनका कहना ये है कि हाँ पूरा मत ओपन कीजिए, लेकिन सर धीरे धीरे तो ओपन कर दीजिए, वरना तो भूख से ही मर जाएंगे लोग, बिना पैसे से, बिना इकोनॉमी से, बिना उसके ही मर जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं, ये मैंने कट आउट आई डोंट नो किसने इस पर पैसे लिया, टर्न ओवर लिफ्ट कर्ब्स, ट्रम्प फेसेस बिगेस्ट डिसीजन एवर। तो इस तरह की हेडिंग्स आपको वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में खूब देखने को मिलेगी। इस इंटरेस्टिंगली इनफ इससे, अच्छा आप मुझसे ये पूछ सकते हैं सर आपको क्या लगता है इससे ट्रम्प साहब के इलेक्शन जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में नवंबर में इलेक्शन है उस पर फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और एक बार लास्ट में थोड़ा सा एक पॉइंट इसके बारे में ज़रूर बोलूँगा। ट्रम्प साहब के जो एडवाइज़र हैं मिस्टर लैरी कुडलो साहब ने एक बात कहा, और उन्होंने ये कहा है कि आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने में US की इकोनॉमी को हम लोग बिल्कुल ओपन कर देंगे। काफ़ी अच्छी बात अगर ऐसा हो पाए, हालांकि अभी तो मुझे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्राइमा फेसी तो एविडेंस मुझको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, क्योंकि जिस स्केल में फैल चुका वायरस उस स्केल के कारण मैं कह रहा हूँ। स्टीव न्यूचिन साहब को इनको आप पहचानते होंगे, तो स्टीव न्यूचिन साहब ने तो और भी बड़ी बात बोला है, इन्होंने बोला विद इन अ मंथ आप देखेंगे तो आप हम लोग इकोनॉमी बिल्कुल ओपन कर देंगे। देखिए ट्रम्प साहब जो है वो मेगालोमेनिक तो हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ट्रम्प ट्रस्ट इज ट्रम्प्स वायरस रेस्पॉन्स इन इज फॉलिंग, वॉट डज इट मीन फॉर नवम्बर। मेरे ख्याल से
ट्रम्प साहब के सितारे ना बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। जिस चीज़ पे वो इलेक्शन लड़ने का सोच रहे थे ग्रोथ वगैरह, वो सब बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई है, खत्म हो गए ना। एम्प्लॉयमेंट पे वो लड़ रहे थे, खत्म। अभी मैंने आपको दिखा 17 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल कर दिए पिछले 3 हफ्ते में। स्टॉक मार्केट का जो सर्ज, खत्म। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो स्टिमुलस देना पड़ा है ना। इंटरेस्ट रेट आप देखिए 0 से लेकर 0.25% के आसपास पहुँच गया। अब इसके बाद एक नेगेटिव इंटरेस्ट ही बचता है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं रही वहाँ पर। स्टॉक मार्केट वो भाग हॉट हॉट बना देंगे, स्टॉक मार्केट को बोल रहे थे एकदम जबरदस्त तरीके से भागेगा। तो जिस पॉइंट पे ट्रंप साहब लड़ने वाले थे इलेक्शन, मेरे ख्याल से वो नल एंड वॉइड हो गया। तो इनफैक्ट अभी पोल के हिसाब से भी वहाँ पे ये देखा गया कि ट्रंप साहब के इस बार जीतने के जो चांसेस है कितनी तेज़ी से कम हुए। ट्रंप साहब ने खुद ही अपने आप को वॉर टाइम प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। देखिए हम सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप साहब थोड़ा सा मेगालोमेनिक तो है। मेगालोमेनिक मतलब वो लोग जो अपने आप को एकदम ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो एक बीच में अभी ट्रंप साहब ने बताया कि ये जो वायरस है, ये जो अभी चल रहा है पूरी दुनिया में, एक युद्ध से कम नहीं है। और क्योंकि ये युद्ध से कम नहीं है तो मैं भी कोई वॉर टाइम प्रेसिडेंट से कम नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना एक हीरोइक रोल पे हूँ। इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब यही है कि मेरे लिए कितना टफ है अभी सब कुछ। आप देख सकते हैं द गार्जियन का कटआउट, ट्रंप टॉक्स हिमसेल्फ अप एज अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट टू लीड अमेरिका थ्रू क्राइसिस। अच्छी बात है, लेकिन जब आप इतना बड़ा बड़ा बोस्टिंग करते हैं ना, जब आप इस तरह के, इनफैक्ट उन्होंने बोल भी दिया था इस वक्त पे कि इट इज़ एन इनविजिबल एनिमी, वायरस के बारे में बोल रहा हूँ, इट इज़ एन इनविजिबल एनिमी एंड आई व्यू इट एज इन अ सेंस अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट, देखता हूँ मैं अपने आप को। आप देख सकते हैं ये अभी की बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया पूरी दुनिया को पता है ट्रंप साहब मेगालोमेनिक तो है। आप मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, खुद को मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाए, उनको पसंद है ना ये सब चीज़, ग्रैंड देखना पसंद है, ग्रैंड करना पसंद है चीज़ों को। आपको ध्यान होगा तो 2014-15-16 की बात है, तब उन्होंने कह दिया था कि आईएस के बारे में तो मैं अपने जनरल से ज़्यादा जानता हूँ, वो छोड़ो मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी गुड जनरल। तो ये सब सुन के ना लोगों को वहाँ पर अच्छा तो नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। एंड वहाँ पे जो लोग हैं, अगर आप इतना पॉम्पस चीज़ें बोलेंगे ना, तो वो भी चाहेंगे कि आप ज़मीन पे आके ग्राउंड रियलिटी में वाकई में कुछ फाइट दिखाएं और लोगों को डिसाइसिव एक्शन लेके दिखाएं, ताकि लोग वहाँ से इस कोरोना वायरस के सिचुएशन से बाहर निकाल सकें। जैसे मैंने आपको बताया अभी पोल्स के, जो अभी लेटेस्ट पोल हुआ था लास्ट वीक, उसे ये पता चला था कि ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है पिछले कुछ वक्त में। देखिए आपने, मैंने, हम सभी लोगों ने बहुत सारे हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर्स देखे हैं, जिसमें कई जगहों पे एलियंस आते हैं, ये होता है वो होता है। और अभी लेटली हम लोगों ने मार्वल, डीसी, ये सब को भी देखे थे। फाइनली ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और हॉलीवुड उस लड़ाई को जीत जाते हैं। हम लोग भी उम्मीद करते हैं, पूरी दुनिया उम्मीद करती है कि यूनाइटेड स्टेट्स और पूरी दुनिया इस लड़ाई को जीते। लेकिन अभी आज के तारीख में यूएस पे डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए यूएस पे बात कर रहा हूँ, कि भगवान करे कि यूएस इस लड़ाई को जीते और यहाँ से यूएस एकदम विक्टोरियस निकल के आए। और जैसे ट्रंप साहब ने अभी थोड़ी देर, कुछ घंटे पहले, 14 घंटे पहले ट्वीट किया था, विल बिल्ड इट अगेन, वी बिलीव कि यूनाइटेड स्टेट और ट्रंप साहब जो एक बार डिसाइसिव डिसीजन लेंगे, पूरे देश उनके साथ रहेगा, एंड प्रोबेबली दे विल बिल्ड इट अगेन। और इस वॉर को, ये वॉर तो है ही, इस वॉर को जीत के यूएस बाहर निकलेगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ओपिनियन क्या है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। आप इसके बारे में किस, आप इसके, इस टॉपिक के अलावा किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और उस टॉपिक में आपको डिटेल में समझाऊं, सिंपल भाषा में समझाऊं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे भी ज़्यादा सिंपल भाषा में मैंने कुछ कहानी के वीडियोज़ बनाए और ये आप लोगों को मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल भाषा में समझाया उन चीज़ों को। तो ये था हमारा आज का सेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो भी पॉइंट होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे, वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।